हम आ गए फिरदौस, तुम्हारे ये हुस्न हमें तुम्हारे करीब खींच लाया। पापी औलाद, अपनी स्वर्गवासी माँ की साड़ी का अपमान करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? ये सब दखियानूसी ख्याल हैं, इन्हें छोड़ दीजिए वरना पछताएंगे। चुप कर, मत सुना मुझे अपनी बकवास। धन्य ये वही चंडाल है जो पिछले 20 बरसों से न मुझे जीने दे रहा है और न ही मरने दे रहा है। अपने बाप को चंडाल कहता है? ये नहीं आता कि तेरी खाल खींच लूं। ए धन्नो मुझे बचा ले, मुझे अपनी आंचल में जगह दे धन्नो, वरना ये हैवान मुझे खा जाएगा। क्यों बाप, कैसी रही एक्टिंग? अब वो दिन दूर नहीं जब श्रीदेवी जी, रेखा जी और माधुरी जी मेरे साथ काम करने के लिए पागल उठेंगे। कितने शर्म की बात है, ये माधुरी जी तो तुझे याद है लेकिन अपनी माता माधुरी जी को तू भूल गया, जिसके लिए मैं आज एक नई कंपनी खोलने वाला हूँ, माधुरी और उसके नालायक संस। देख, अगर तेरे पास वक्त है और अपनी माँ के लिए जरा सी भी श्रद्धा है तो तेरा ये बाप नीचे नाश्ते के टेबल पर तेरा इंतजार कर रहा है। आजा, तेरे बाप तेरा आभारी होगा। आजा रे माधुरी। Hi Dad, I am mad जो तुम जैसे नमूनों को पैदा किया। Come on Dad। अरे Dad के बच्चे, क्या मैं तुमसे सीधे मुंह दो बातें कर सकता हूँ? Yes Dad, बोलिए। क्या करता राजीव? क्या करते हो? राजीव, मैंने तुम लोगों की माँ के नाम से एक नई फैक्ट्री खोली है। ऑल द बेस्ट डैड, ऑल द बेस्ट। अरे वो फैक्ट्री तुम लोगों के नाम पर है और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग उसके उद्घाटन पर आओ। कम ऑन डैड, ये फैक्ट्री के चक्कर आप ही संभालिए। बट स्टिल, इफ यू वांट मी, मेरे लिए एक एक्सरसाइज का कमरा रखवा दीजिएगा फैक्ट्री में। साहबजादे, मैं फैक्ट्री खोलने जा रहा हूँ, कोई अखाड़ा नहीं। अखाड़ा नहीं डैड, जिम कहिए। तू सीधी तरह तैयार होकर नीचे आता है? नहीं डैड, ये मेरा एक्सरसाइज का टाइम है। It's my life, take it or leave it, set me free. What's that crap up and over talk? आवाज की दुनिया के दोस्तों, आज आप लोगों के सामने अपने आप को, यानी कि उभरते हुए गायक ऋषि कुमार को पेश कर रहा हूं। हाँ तो हाजरात, गजल शुरू करने से पहले आदाब, आइए। हाँ तो हाजरात, तबले पर आज मेरा साथ दे रहे हैं कैलाश खां साहब। कैलाश खां, आदाब। दोस्तों, गजल शुरू करने से पहले एक किस्सा याद आ गया मुझे। अरे किस्से से पहले अपने बाप की फरियाद सुन ले, ए गायक गवैया। बिल्कुल सुनूंगा बाबूजी, और है ही कौन आपकी नैया का खेवैया। अरे वाह, क्या काफिया मिलाया है। आदाब, आदाब। हाँ तो दोस्तों, आपकी खिदमत में पेश है। मुझे आई न जग से लाज, तुम्हें आएगी। मैं इतना जोर से नाची आज, एक नई फैक्ट्री खोली है। घुंघरू टूट गए माधुरी और उसके संस के, घुंघरू टूट गए। तुझे उसके उद्घाटन पे आना है। घुंघरू टूट गए, तू तैयार होकर नीचे आ जा बेटे। मोहे आई, अरे मैं मर गया, मैं कहां फंस गया। मैं इतना बेटे जोर से नाची आज, अरे घुंघरू ही तोड़ता रहेगा ये तो जिंदगी। तो तीनों नहीं आए। बजरंगी जी मालिक, कितने बच्चे हैं तेरे? मालिक, हमारी तो शादी नहीं हुई अभी तक। सुखी हो तुम जी? खाते खाते भूख तो नहीं मर जाती ना? पापा, आप बिना नाश्ते किए जा रहे हैं? खाइए ना, मैं आपका साथ दूंगा। बड़ा होकर भी मेरा साथ देगा ना बेटा? दूंगा पापा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। Thank you.
बंगला अच्छा है, होने को भी छाना है, छान लई छान। तू करी करी क्या करिए, किचन देख जाकर। किचन कुटे है माजी? अरे घर है तो किचन तो होगा ही ना, ढूंढ। हाँ हाँ माली। कौन दे रहा है आवाज? ओ माली, ये आके पार पार कर क्या देख रहा है? खबरदार, जो मुझे पूछे बगैर कुछ किया तो मेरे बगीचे में। आपका बगीचा? आप हैं कौन? इस बंगले की नई लैंड लेडी और आज से तुम्हारी मालकिन। मालिक मालिक, ये आवाज कहाँ जा रही है? बोलेगा मेरे को मारती बहन। बहन नहीं, तुम तो मोपेड हो। अरे अब तो छोड़ो मेरा हाथ। एक मिनट, दो सेकंड चला। ये कौन? माजी, ये लोग चोर लोग हैं। ये मोटा किचन में भी घुस के चा बनाता था और ये झींगा आमलेट खाता था। देखिए आप लोगों से जरूर कोई मालिक, मालिक इस आफत से मुझे छुड़ाइए। मालिक एक मिनट, दो सेकंड मालिक। ये मालिक तुम लोगों का मालिक है? कौन है ये लोग? पता नहीं बेटा मुझे, बस ये आधे नंगे लोगों के हम गए। तुम्हारा कमरा ये है कौन? पता नहीं बेटा मुझे तो नहीं मालूम। ये तुमके बाहर निकाले इनको, बाहर निकाले। एक मिनट, खामोश खामोश खामोश। कैलाश नाथ, ये सब क्या हंगामा है? ये और जबरदस्ती मेरे घर में घुस रही है। अरे कौशल्य, तो अरे जरीना देखा, ये रूम से मेरे घर आ गई। देख जरीना, ये घर है ना, ये मैंने आज खरीदा है और यहाँ पर ये मालिक का बच्चा अपने पूरे खाता लेकर जमा के बैठा हुआ है। अरे जरीना, इसे समझाओ कि ये बंगला हमारा है। हमारा है, पुलिस को बुलाइए। कानून को बीच में मत लाओ। तुझे गलत फहमी हुई, वो तो होती रहती है। ये बंगला कैलाश नाथ जी का ही है। देखिए मोहतरमा, मैं आपको समझाता हूँ। ये जो है ये शहर के बहुत बड़े रईस हैं, कैलाश नाथ जी, करोड़पति। तो फिर वो एक मिनट, ये देख ये पता जनाब अली कौशल्या देवी, ये बंगला ये नहीं है, बाजू वाला है। कैलाश नाथ जी, ये मेरी कॉलेज की सहेली कौशल्या है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। पर मुझे बहुत दुख हुआ है, सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जा, 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 जा। अरे 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 तो छोड़ देने। अरे माँ जी, मैं तो आपके हुक्म का इंतजार करती थी। अरे तुम लोगों को कुछ शर्म वगैरह है कि नहीं? कैलाश नाथ, तुम लोगों ने कपड़े नहीं पहने और मैं समझा चलो अंदर। चलो अंदर, तुम भी चलो अंदर। मैंने तो कपड़े पहने। मैंने कपड़े पहने। क्या है कि इतना भयानक मंजर मैंने जिंदगी में नहीं देखा कैलाश नाथ। वक्त था सिर्फ माता जी का जिसने हमें पैदा किया और बाबू जी का जिसने हमें पाला। अबे दिल की आवाज भी सुनो, कपड़े पहनने या उतारने पे मत जाओ। दिल की आवाज? हाँ, जो सुबह लड़कियाँ आई थी वो आई नहीं थी, भेजी गई थी। क्या? किस ईश्वर ने भेजी थी? किस्मत ने, वो भी अचानक। मुझे मेरी मोहब्बत कहाँ आकर मिली? मोहब्बत? हाँ, आंखें बंद करके महसूस करो और बताओ कौन थी वो तीनों। हमारी मोहब्बत की मंजिलें खुद चलकर आई और बाथरूम के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। मगर राजीव भैया, मेरी मोहब्बत की मंजिल कौन सी थी? वो शायर है, उसकी तरन्नुम, और मेरे लिए तुरंग मंच का राजा और वो रानी। और तेरे लिए? मेरा शहजादा चार टांगों पर चले, तेरे इसका सबसे तेज घोड़ा ने। बोलो ना,
रंजन कविता हूँ। सुनो क्या हुआ? हुआ अरे वो देखो वो तीन यहाँ है। I love you। देख कोमल वो डंबल वाला है ना उसी के बारे में मैं कह रही थी। हाय ये तो बड़ा हैंडसम है और कंचन हाँ वो जो श्रीदेवी की पुतली लिए खड़ा है ना वो भी तेरे जैसे फिल्मों का दीवाना है। हाय बिल्कुल हीरो लगता है। और वो जो प्रीति वाला गुड्डा चांदी जैसा रंग है तेरा वो मेरा जोड़ीदार लगता है। हाँ कविता तो भाई और बहनों अर्ज किया है कि देख रहा हूँ कब से बैठा ख्वाब छा रहा है मस्ती का शबाब। सुभान अल्लाह शुक्रिया। लगता है आजकल पेड़ पौधे भी शेरो शायरी करने लग गए। पेड़ पौधे मैं आप मुझे कविता कहते हैं आपकी तारीफ। जी मुझे ऋषि कुमार कहते हैं गजल सिंगर। आपसे दोबारा मिलकर बेहद खुशी हुई। दोबारा हम पहले कहाँ मिले थे? कल ही तो मिले थे जब आप सिर्फ वो पहन कर आए थे। ओह नो उस दिन मैं टॉवल बांधकर अकेले में दंड पेल रहा था। इसमें सॉरी की क्या बात है खूबसूरत कसरती बदन को हमेशा ढाक कर नहीं रखना चाहिए। आप वर्कआउट कितने घंटे करते हैं? जी बस सोते वक्त ही नहीं करता वर्कआउट। फिर तो आपकी और हमारी खूब पटेगी। खूब पटेगी। चाहता तो मैं भी हूँ कि तुझे पटाऊं लेकिन तेरा वो भाई हम दोनों के रास्ते में पत्थर बन के खड़ा है। भाई से क्यों डरते हो मर्द हो तो दिन दहाड़े घोड़े पर बैठा कर उड़ा ले जाओ। सच बसंती वीरू बसंती वीरू आप और यहाँ मैं एक्टिंग में इतना खो गई थी कि आई एम सॉरी। सॉरी कहने की क्या जरूरत थी क्या शॉट दिया है आपने? थैंक यू लेकिन मैंने आपको पहले कहीं देखा है। कल ही तो मिले थे आपके घर पर। हाँ लेकिन आपकी वो तो बहनें कहाँ हैं? वो हम यहाँ हैं। रंधीर भैया रंधीर भैया ये है कविता जी मेरी तरह गजल सिंगर है। आदाब भैया ये है कोमल इन्हें वर्कआउट करने का बहुत शौक है। हाय और ये है मेरी तरह एक्टिंग के शौकीन। वाह क्या मिला ऊपर वाले। ये जॉगिंग पार्क है यहाँ आदमी को भागते हुए नजर आना चाहिए अगर इश्कबाजी भी करनी है तो भागते हुए करो। जॉनी है नाम मेरा रनिंग है काम मेरा रनिंग है नाम मेरा जॉनी हाँ आपने हमें पहचाना नहीं? हम कुंती पुत्र कल हमने आपके घर सामान रखा था। तो क्या उसकी मजदूरी चाहिए? नहीं 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 मजदूरी नहीं हम तो आप लोगों को कंपनी देने हैं। गुड मॉर्निंग मिस्टर टकलू हम दे रहे हैं इन्हें कंपनी चुपचाप यहाँ खड़े रहो और सांस लेते रहो। अच्छा तो अब चलते हैं चलते हैं। नहीं नहीं क्या चाहिए भाई तूने मेरे बाप का कत्ल किया है। नहीं नहीं नारायण नहीं इसी ने मेरे निर्दोष बाप का कत्ल किया है। जाओ 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 घबराओ मत इस रिवेंज कॉम्प्लेक्स है रिवेंज। आपकी तारीफ डॉक्टर टोपी वाला। बस बेटे बस अब जाओ जो आ गया पिताजी प्रणाम पिताश्री पिताजी। अरे ये मेरा पेशेंट है इसके पिता कौन है ये इसे नहीं मालूम इसी शौक में तो बेचारा पागल हो गया है। मैंने अब इसे ठीक कर दिया है इसीलिए तो हर एक को अपना पिता समझता है। डॉक्टर साहब आप मेरे बेटे को भी ठीक कर देंगे? क्यों वो आपको नहीं पहचानते? पहचानते तो हैं लेकिन मेरा कहना नहीं मानते। ओ सिरोसिस ऑफ द ब्रेन जी नहीं कोई बात नहीं आप ले आइए उन्हें ठीक कर देते। की प्रॉब्लम क्या है कि वो यहाँ नहीं आएंगे आपको उन लोगों को देखने के लिए मेरे साथ मेरे घर चलना पड़ेगा। फीस डबल होगी डॉक्टर साहब। फीस की आप चिंता मत करिएगा पर आप मेरे साथ मेरे घर चलिए उनका इलाज कर दीजिए मैं आपको रास्ते में सब कुछ बता दूंगा। ओके आइए डॉक्टर साहब। आहा लवली लवली हाउस यू हैव। इसी लवली हाउस को
मैड हाउस बना दिया इन तीनों ने। डोंट वरी, डॉक्टर टोपी वाला तीनों को ठीक कर देगा। आहा, आहा। नौकर का रोल कर रहे हो? नहीं, मैं नौकर ही हूँ साहब। गिटी-गिटी बेटे काम। मगर ये इलाज के बीच में आप मत टोकिए प्लीज। तो तुम नौकर हो? जी हाँ, जी हाँ। आप कौन है? ये डॉक्टर, ये डॉक्टर टोपी वाला, लंदन, पेरिस, हंगरी, रिटर्न, हजारों पागलों को ठीक कर दिया तो तुम क्या चीज हो? हजूर, मैं पागल नहीं हूँ। हर पागल पहले यही कहता है। डॉक्टर साहब, ये मेरा नौकर ही है बजरंगी, आप इसे काम का। जानता हूँ जानता हूँ, यही काम करने का तरीका है, स्टाइल है मेरा। बेटे ऊपर है, ऊपर है। आप कहें तो मैं आपको ऊपर तक छोड़ाऊं? नहीं नहीं, आपको आने की जरूरत नहीं है। मैं आपके बेटों के आसार बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, डोंट वरी। लेकिन अभी अभी तो आपने मेरे नौकर को, और अभी अभी मैंने कहा था ना कि ये मेरे काम करने का स्टाइल है, तरीका है। आई एम सॉरी डॉक्टर साहब, अगर आप मेरे बेटों को नीचे खाने के टेबल पर ले आए तो मैं समझूंगा कि आप उन्हें ठीक कर सकते हैं। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, मालिक ने क्या हो गया है? तो जी कहता रहे हम प्यार के तूफानों में। अरे क्या हो गया मालिक, हम क्या करे? टोपी वाला आपकी मोहे आई न जग से लाश, मैं इतना झूम के नाची आज के घुंघरू टूट गए, के घुंघरू टूट गए, के घुंघरू टूट गए। पापा, ये पागल कौन था? ये पागल था नहीं बेटा, ये पागल हो गया है। इसे किसने काटा? इसको तेरे भाइयों ने काटा। तेरे भाई जिसको भी काटते हैं वो पागल हो जाते हैं। अब वो तुझे काटेंगे, फिर वो बजरंगी को काटेंगे, और फिर सबसे ज्यादा मुझे काटेंगे, और फिर मैं सड़कों पर दौड़ूंगा और लोग कहेंगे कि कैलाश दत्त पागल जा रहा है, और मैं कहूंगा कि मेरे बेटों ने मुझे पागल कर दिया। बजरंगी उनकी माँ का है, माधुरी माधुरी मेरे बच्चे मुझे पागल कर देंगे। बजरंगी बजरंगी तुली, ये दवाइयां ले आओ। जी अभी लाया। अबे सॉरी अंकल, हमारे घर में कोई बीमार है क्या? हाँ, तुम्हारे पिताजी। क्या हुआ डैड को? He is not serious. लेकिन अंकल कल शाम तक तो बाबूजी ठीक थे। रात को निमोनिया हो गया। मॉम की तबीयत खराब है? शायद जुकाम हो गया होगा। मम्मी क्या, माँ ने भी ऐसे ही बेकार आंटी को तंग किया। नहीं नहीं, कौशल्य की तबीयत वाकई में बहुत खराब है। इकबाल मियां, ये दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। थोड़ा थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लो, तुली दवाइयां लेने गया है, बस आता ही होगा। अरे लेकिन अगर तुली के आने से पहले मैं मर गया, नहीं, मेरे बच्चे अनाथ, बाबूजी दमा हो गया है। दमा? लेकिन अंकल जी तो निमोनिया बता रहे। निमोनिया मतलब निमोनिया के पहले जो दमा होता है ना, दमा ये निमोनिया हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, जानलेवा होता है। अब लगता है ये दर्द मेरी जान लेकर ही जाएगा, मैं अकेली कैसे करूंगी ये सब कुछ? टेक इट इजी मॉम, गुड्डी से करवा लीजिएगा। अरे बोलना गुड्डी नहीं है। गुड्डी तो कल रात को ही अपने माँ के यहाँ चली गई। मुझे भी इतना सारा काम है, वरना मैं ही बना देती खिचड़ी। खिचड़ी? हाँ खिचड़ी, डॉक्टर ने सिर्फ खिचड़ी खाने के लिए कहा है। खिचड़ी में क्या है मम्मी, बना लेना, मुझे हेल्थ क्लब जाना है। मेरा आज मॉर्निंग शो देखने का मूड है मॉम, और मुझे तो टी सीरीज के चमन कुमार ने बुलाया है। देखा, अभी मैं खुद ही बढ़ते बढ़ते खिचड़ी पकाऊंगी। हाँ बनाएगी तू खिचड़ी? चल लेती रहे, तेरी बेटियां ही बनाएगी। अरे देखो बच्चों, कौन सा रोज रोज तुम्हें जाना है, एक ही दिन की तो बात है। अरे इकबाल मियां, इनसे नहीं होगा ये काम। अरे कैसे नहीं होगा, आए रणधीर, राजीव, ऋषि, चलो कह दो अपने फादर से कि तुम ये काम कर सकते हो उनके लिए। पॉप, सिर्फ एक ही दिन की बात है ना। अरे सिर्फ एक दिन की बात है बेटा, कल तक तो मैं ठीक हो जाऊंगा। अरे क्या कर रहे हो, खड़ा तो हुआ नहीं जाता तुमसे, कहां से ठीक हो जाऊंगा? अंकल
इस बात की क्या गारंटी कि कल तक ठीक हो जाएंगे? अरे बाप से गारंटी मांगता है। अरे इकबाल मियां तो आप तो मम्मा ही गारंटी देता था ना भाई, ये कल तक ठीक हो जाएंगे ना भाई? ठीक है अंकल। बाबूजी आज हम अपना काम कर देते हैं लेकिन हम कल से नहीं करेंगे। इकबाल मियां जी जरा समझा दो इनको काम। साहब ये एक मिनट में समझा देता हूँ। हाँ तो बच्चों ये लो फाइल। जमीन पर गिरा दी। इस फाइल में उस कंपनी का नाम और एड्रेस है, तुम तीनों जाकर डील फाइनल कर लो। मगर पाप अब कल तक ठीक हो जाएंगे ना? अरे कल तक ठीक हो जाऊंगा मैं, इससे तो अच्छा होता तुम्हारे पैदा होते ही मर गया होता। अब जाओ यहां से। तरकीब तो अच्छी बताई। आदाब जनाब कैलाशनाथ जी, मैं तो पहले ही कहता था कि मेरा ये आइडिया तो फ्लॉप हो ही नहीं सकता। अब यूं समझ लीजिए कि आपके तीनों बेटे आज से लग गए काम पे। वो खाना नाम का आदमी हमें यही मिलेगा ना? जैसे मैंने बताया था वैसे ही करना। हमें डैड को 60 लाख का 1 करोड़ बना करना, समझे? डोंट वरी ब्रदर। चलो भैया जल्दी चलते हैं। चलाओ। एक्सक्यूज मी मिस्टर खन्ना। जी फरमाइए। गुड मॉर्निंग मिस्टर खन्ना। मॉर्निंग। नमस्ते मिस्टर खन्ना। नमस्ते जी, हम कैलाशनाथ एंड सन्स की ओर से आए हैं। ओ तो आप ही तीनों कैलाशनाथ जी के लायक बेटे। जी दरअसल हमारे बाबूजी की तबीयत थोड़ी ढीली पड़ गई थी इसलिए हमें आना पड़ा। आई नो, अभी कैलाशनाथ जी का फोन आया था कि आप लोग आ रहे हैं। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। मेरे बाकी के पार्टनर्स आ रहे हैं, उनके आते ही हम डील कर लेंगे। बोलिए क्या लेंगे आप लोग? सिर्फ आपके 10 मिनट। जी आप 60 लाख रुपए का लोहा खरीदेंगे, कितना मुनाफा हो जाएगा उसमें? ज्यादा से ज्यादा 10 लाख। और हम चाहते हैं कि आप 60 लाख रुपए लगाकर 1 करोड़ रुपए कमाए। वो कैसे? फिल्म बनाकर। फिल्म? देखिएगा ना साहब क्या प्रपोजल लेकर आए हम। माय हीरो ये फाइट कंपोजर, ये म्यूजिक डायरेक्टर, और फिल्म का नाम पता क्या होगा? गोले, जो शोले की छुट्टी कर देगा। देखिए मैं सारी जिंदगी लोहे में डील करते आया हूँ और लोहे में ही करते रहूंगा। कोई बात नहीं, फिल्म का नाम भी लोहा रख देते। जी उसमें मैं ऐसी फाइट कंपोज करूंगा कि विलन की वाह। विलन क्या चेहरा है, बिल्कुल विलन की तरह। सोचिए आप विलन हीरोइन को लेकर होटल में आते हैं और ये हीरो हेलीकॉप्टर से आता है और वहां हीरो को विलन कैद कर लेता है और हीरोइन से कहता है नाचो और हीरोइन नाचती है के पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी और हीरो सारी जंजीरें तोड़ देता है और गला पकड़ लेता है। प्लीज मेरे पर रहम कीजिए। क्या डायलॉग बोला, बिल्कुल ऐसी फिल्म बोला, क्योंकि इसके बाद मैं आपकी धुलाई करूंगा। डिशाओ ढंग से। ऐसे नहीं कौन ओ तुम? कोबरा, ब्लैक कोबरा। ब्लैक कोबरा तो मैं क्या करूं? मुझे क्या चाहते हो? 30,000। कौन से 30,000? जो तुम्हारे बेटों ने मुझसे उधार लिए थे। मेरा कोई बेटा नहीं है। तुमने क्यों दी उन नालायकों को? मैं सब नालायक बेटों को रुपया उधार देता हूँ और उनके लायक बापों से वसूल करता हूँ। मैं तो नालायक बाप हूँ। कोबरा जी बड़ा अच्छा बिजनेस है। मुझे अपनी तारीफ नहीं सुननी, रुपया चाहिए वरना भेजा उड़ा दूंगा। लाता हूँ लाता हूँ लाता हूँ। सर एक मिनट भाई साहब, ये 1 लाख रुपए के चेक पे साइन कीजिए। आया आया मालिक, आया आया मालिक, मालिक वो 50,000 रुपए मैंने अलमारी में रख दिए। माँ कसम तुम इसको मारो, मैं जाता हूँ। तुम रुपया लेकर आओ, तब तक ये दोनों 10 तक गिनेंगे। गिनो। 9, 8, 7। चिल्लू के पास सीधा गिनो, सीधा। ला रहा हूँ, ला रहा हूँ। 1, 2 आगे मेरे को गिनती नहीं आता हो। 4, 7, 8।
ना मैं दस गिनने वाला हूँ, जल्दी आइए। गिल्लो पूरे 30,000 है, अगर कम हुए तो कल फिर आऊंगा। एक मिनट गिल्लो। एक लाख के चेक पे साइन कर दो, 50,000 कबड़ में रखा है। और बेटों को तो मैं गोली मार दूंगा। काम हो गया? हो गया। जल्दी से दबा ले। हमसे होशियारी है, मारूंगा। गलती हो गया बाप। निकाल माल निकाल, चल ये लो। 25,000 तुम्हारी माँ ने लिए। अपन पूरे 30,000 लाए हैं। मॉम तो शुरू से कंजूस है। लेकिन डार्लिंग, एक दो हफ्ते के लिए तो बहुत होंगे ना। ये ले तेरा भाड़ा। और ये ले तेरा। बाप एक 10 रुपए बस के लिए चिल्लर। ये लीजिए और जाइए जल्दी से। और ये ले जा। चल टोपी निकाल, चला गया से। राजीव चली के घर पे मिले थे और तुमने बुला लिया। अब 3 रातों तक मैं सो रहा हूँ। आए हो तो चाय पी के जाना। मेहमान हेलो आंटी, आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए। डालो फाटक, तोड़ दो ताले, सपना दो दरवाजे, हिला डालो बंगला। मोहब्बत है, मोहब्बत है, तुझे भी मोहब्बत है। हाँ हमें मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। आक्रमण। हाथे 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 भैया जल्दी आज तो रणधीर कम चलो। राजीव भैया संभाल के। राजीव मैं कैसे आऊं नीचे? अरे बोल ना, जंप कैसे मारूं भैया? धीरे 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 धीरे
वो ये कोमल का कमरा है। नहीं, ये कविता का है। कविता का बगल वाला है। अच्छा, अबे रुक, बगल वाला कंचन का है। तो कविता का कौन सा है? मैं बताती हूँ। आंटी, आंटी, आंटी जी, आप और यहाँ। मैं सोचा कि तुम्हारा है। हम लोगों से अक्सर ऐसी गलती हो जाए करती। अच्छा अच्छा, सॉरी आर्य आंटी। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। टिन 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 टिन, अभी तो आई हो, अभी अभी तो तीरी अभी जरा चले। बाप को क्या हो गया? डैड, बाबूजी और आंटी जी। हाय सन, हाय बड़ी, आदाब जनाब, आज आप तीनों घर पर ही हैं? नहीं पाप, हमें आपसे कुछ कहना है। नो टाइम, नो टाइम, मुझे तैयार होकर बाहर जाना है। वैसे आप जा कर रहे हैं? मैंने कभी तुमसे पूछा है? पूछा ही है तो मैं डिनर पर जा रहा हूँ। कैंडल लाइट। लेकिन बाबूजी सुनिए तो। पॉपी, अचानक आपको हो क्या गया है? डैड, आप जानते हैं आप क्या कर रहे हैं? बाबूजी, वो बगल वाली आंटी के साथ जा तो मैं उन्हीं के साथ रहा हूँ कैंडल लाइट डिनर के लिए। आप इस उम्र में ऐसी हरकत करेंगे, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। सोचा तो मैंने भी नहीं था मेरे बच्चों। अगर मुझे बहुत दिनों बाद पता चला कि माँ की कमी औलाद को निकम्मा बना देती है, अगर तुम लोग नालायक हो, उसमें कसूर तुम्हारा नहीं, मेरा है। मैंने तुम्हें बहुत दिनों तक माँ के प्यार से महरूम रखा, लेकिन अब नहीं, अब तुम्हें माँ का प्यार मिलेगा बहुत जल्द। मगर डैड, इस बात पर माँ की आत्मा को कितनी तकलीफ होगी, ये कभी सोचा आपने? यस पॉप, उनकी रूह बेचैन हो जाएगी। हाँ बाबू जी, ऊपर बैठी हमारी माँ कितना रोएगी जब ऊपर से वो अपनी सौत को आपके साथ देखेगी। अरे बच्चों, तुम्हारी माँ ने मुझे ऐसा करने को कहा था। माँ? लेकिन बाबूजी, वो तो ऊपर है। कल रात वो ऊपर से नीचे आई थी। क्या? क्या? अरे सपने में आई थी यार। अच्छा अच्छा अच्छा। पर बोली, मैं मर गई तो क्या हुआ? मेरे बच्चों को बिना माँ के रखोगे? आवारा बनने दोगे? दर दर की ठोकरें खाने दोगे? मैंने कहा नहीं। तो वो बोली, मेरे बच्चों के लिए एक माँ ला दो, मेरे बच्चों के लिए एक माँ ला दो। मैंने आज तक तुम्हारी माँ की कोई बात नहीं टाली, तो ये कैसे टाल सकता हूँ? मेरे बच्चों, मैं बहुत जल्द तुम्हारे लिए एक माँ लाने जा रहा हूँ। ओह, कैंडल लाइट डिनर का वक्त हो गया, मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। जिंदाबाद, 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 ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। टाकी, ओ टाकी, ओ टाकी, टाकी टाकी रे, जब से तू आंखों में ढक नकुर, ढक नकुर, टुकड़ा लग जाएगा। लगता है पॉप को कोई नहीं सुधार सकता। I feel that fun, or what feels good, only refer. बाबूजी, डैड, you talking to me? Yeah. जी, तुम लोग इतने सालों से बिना माँ के अनाथ थे। तो मेरा अनाथ बच्चों, बहुत जल्द मैं तुम्हारे लिए एक नई माँ लेकर आऊंगा। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा रहता है। अरे बेबी टॉकिंग टू मी, आई एम फीलिंग, आई फील, आई फील, आई वांट यू। ला ला ला, आइए आइए, आप कहाँ जा रहे हैं? आइए, आप ही के लिए तो आए सब। लेडीज, ये हैं हमारे पॉप, जिनकी उम्र है स्वीट 60। आई एम स्वीट 50। वाओ, आई एम ओनली 45 स्वीटहार्ट। वो तो 36 आगर 32 नदी। क्या बात है बाबूजी, बाबूजी। पॉप, आप इनमें से किसी एक को चुन सकते हैं। पॉप क्यों? बाबूजी, आपको जीवन साथी की जरूरत थी ना। डैड, ये तो पहला बैच है। हाँ? अगर इनमें से कोई पसंद आओ तो कल हम इश्तेहार दे देंगे। हाँ? कैलाश नाथ करोड़पति के लिए एक आदर्श पत्नी। हाँ?
वो सब अब करने की जरूरत नहीं है। पहले मैंने अरेंज मैरिज की थी, लेकिन अब मैं लव मैरिज करूंगा। हाय, और लव मुझे हो चुका है। मेरी कौशू से तेरा देख के रूप के मस्ताना मेरा दिल हो गया तेरा दीवाना। क्यों? इस सर के आदमी से हमें फंसा रहे थे जबकि पहले से कहीं फंसा